This video is only for informative purpose. Please prescribe your doctor before consuming it. Stay safe, stay healthy. नमस्कार दोस्तों, तो आज स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम उन लॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए हैं, जैसे अब दवाइयों के दाम और बढ़ चुके हैं, 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे 900 दवाइयों के कम से कम दाम बढ़ चुके हैं। अब यार ऐसे साल में अब 6 महीने के अंदर अंदर 2 बार हुआ है कि दवाइयों के दाम अगेन बढ़ चुके हैं। इतनी महंगाई करके कहाँ जाओगे यार, ऐसे नॉर्मल बंदा फिर अफोर्ड नहीं कर पाएगा दवाइयाँ। इसमें केमिस्ट वाला कोई लेना देना नहीं होता कि मार्क प्राइस बढ़ाने में हमारा कुछ रोड़ा होता है, वो सारा गवर्नमेंट करती है। टैक्सेस वगैरह जैसे ही फंड है उनका वो जाने, उनके लिए वो बढ़ाते हैं दाम, हमें भी उसी दाम पे खरीदनी पड़ती है। जैसे पहले अगर 40 रुपये की आ रहा है, अब हमें 45 का पड़ के आया कि वो 50 का फिर सेल करना है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। पर मैं आपको बता देता हूँ कौन सी दवाइयों के दाम बढ़े। कुछ चुनिंदा दवाइयों की, ये उन दवाइयों के दाम बढ़े जिनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। कार्डिक की होगी, एंटी इन्फेक्शन होगी, गैस्ट्रो होगी, डायबिटीज़ की होगी, अपना मल्टीविटामिन हो गए, सारे मल्टीविटामिन आ गए, रेस्पिरेटरी सांस से संबंधित होगी सारी दवाइयाँ उनकी आ जाएंगी। पेन किलर जिनसे अपन नीमोसेट वगैरह लेते रहते हैं, डिक्लो या कोई भी 0 डॉल वगैरह, इन सभी के प्राइस बढ़ेंगे। और गायनेकोलॉजिस्ट मतलब फीमेल्स की रिलेटिव प्रॉब्लम जिनसे होती है मेडिसिन, उनकी सारे के प्राइस बढ़ेंगे। स्किन एलर्जी की सारे प्राइस बढ़ेंगे, और आई से रिलेटेड की सारी आई ड्रॉप हो, आई ऑइंटमेंट हो, आई कैप्सूल हो, आई से रिलेटेड सारी संबंधियों के प्राइस हाइक होंगे, 10 से 12% प्राइस हाइक होंगे। तो आपको इसलिए पहले ही बताना चाहता था मैं इन्फॉर्मेशन, ताकि सभी को पता चले महंगाई कहाँ से कहाँ चुकी है। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं होता कि हम मेडिसिन मैगिंग कर रहे हैं कुछ। तो आप लोग केमिस्ट को इसका जिम्मेदार मत ठहराइएगा, इसका जिम्मेदार है इनडायरेक्टली, आपको पता है कौन जिम्मेदार है इसका, कि जो प्राइस बढ़ाती जा रही है, बढ़ाती ही जा रही है, कहाँ से कहाँ कर दी इन्होंने प्राइस।